नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। टाटा स्टील में 75% स्थानीय को मिलेगा काम, जारी हुआ सर्कुलर। टाटा स्टील ने राज्य सरकार के नौकरियों में 75% स्थानीय को आरक्षण देने का आदेश का अनुपालन करने को लेकर सर्कुलर जारी किया है। इसमें सभी ठेकेदारों वेंडरों को 75% स्थानीय को ही नौकरी पर रखने का आदेश दिया गया है। कर्मचारियों को ट्रेनिंग कराकर अपग्रेड करने को कहा गया है। आप सबको बता दूं कि राज्य सरकार की ओर से कंपनियों को नोटिस भेजी गई थी। सभी वेंडरों और अनुसंगी कंपनियों को एक फॉर्म भरकर देने को कहा गया है। इसमें उनसे आंकड़ा मांगा गया है कि उनके अधीन कितने कर्मचारी कार्यरत हैं, इसमें उनके ग्रेड क्या है और किस ग्रेड में कितने स्थानीय हैं। स्थानीय का प्रमाण पत्र भी जमा करने को कहा गया है। टाटा स्टील ने अपनी सभी अनुसंगी कंपनियों से यह आंकड़ा मांगा है। इसे लेकर HRM विभाग की ओर से पहल तेज की गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि इस माह के अंत तक दस्तावेजों को जमा करा दें ताकि इसके रिपोर्ट सरकार को भी भेजी जा सके। सीएम हेमंत सोरेन ने MO और CHO को दिया नियुक्ति पत्र। रिम्स की कार्डियोलॉजी और रेडियोलॉजी मशीनों का किया लोकार्पण। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को रिम्स ऑडिटोरियम में कहा कि नियुक्ति पत्र पाने वाले 173 चिकित्सा पदाधिकारी एवं 297 सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के कंधों पर राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र की बड़ी जिम्मेदारी रहेगी। आज से आप सभी लोग सरकार के अभिन्न अंग के रूप में कार्य करते हुए राज्य में स्वास्थ्य सेवा को और मजबूती प्रदान करेंगे। ग्रामीण क्षेत्र की जनता हो या शहरी क्षेत्र की जनता, उनके स्वास्थ्य की रक्षा का जिम्मा अब आपके हाथों में है। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उन्होंने ये बातें कही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी चिकित्सा पदाधिकारियों से कहा कि आज से सरकार आपकी जिम्मेदारी ले रही है और आज से ही इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के स्वास्थ्य की रक्षा की जिम्मेदारी आपको लेनी है। पलामू से 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर गिरफ्तार, चतरा मुठभेड़ में हुआ था जख्मी। पलामू से 5 लाख का इनामी माओवादी कमांडर नंद किशोर यादव उर्फ ननकुरिया को जख्मी हालत में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से कई हथियार बरामद किए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक पलामू के पाकी बॉर्डर से गिरफ्तारी की गई है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार नक्सली से पूछताछ कर रही है। आप सबको बता दें कि चतरा में हुई पुलिस और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ में प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 25 लाख के इनामी नक्सली समेत 5 माओवादियों को मार गिराया था। मुठभेड़ में गौतम पासवान समेत 5 नक्सली मारे गए थे और कई नक्सली अपनी जान बचाकर भाग निकले थे। मुठभेड़ से भागे 5 लाख के इनामी माओवादी कमांडर नंद किशोर यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही 3 और लोगों को हिरासत में लिया गया है। आप सबको बता दें कि मारे गए नक्सलियों में 25-25 लाख रुपए के 2 व 5-5 लाख रुपए के 3 इनामी नक्सली शामिल थे। मारे गए नक्सलियों में भाकपा माओवादी के 6 सदस्य गौतम पासवान और 40 उरांव भी शामिल है। झारखंड में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर, 3000 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए आज से आवेदन शुरू। झारखंड के बेरोजगार यानी कि बीएड धारक छात्र छात्राओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल कर्मचारी चयन आयोग ने 3000 से अधिक PGT पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इसकी प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार आयोग की अधिकृत वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 2855 पदों पर रेगुलर वैकेंसी निकाली है, जबकि 265 पर बैकलॉग के जरिए नियुक्ति होगी। आप सबको बता दें कि 2855 पदों में से 2137 पर सीधी नियुक्ति होगी, जबकि 718 पदों पर पहले से कार्यरत PGT शिक्षकों को प्राथमिकता मिलेगी। JSSC द्वारा संचालित इस परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 21 होना अनिवार्य है, जबकि अधिकतम उम्र सीमा 40 साल है। आरक्षित वर्ग के लोगों को सरकार के नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। इसके अलावा उम्मीदवारों का स्नातक उत्तर में 50% अंक होना जरूरी है, साथ ही साथ BEd की डिग्री भी अनिवार्य है। चयनित उम्मीदवारों को पे मैट्रिक्स लेवल 8 के अनुसार 47,600 रुपये से लेकर 1,51,000 रुपये के बीच मासिक वेतन दिया जाएगा। झारखंड के सरकारी कर्मियों का हेमंत सरकार का तोहफा, 4% बढ़ेगा महंगाई भत्ता। झारखंड सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार के तर्ज पर राज्य में भी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ाने से संबंधित प्रस्ताव तैयार किया गया है। हाल ही में भारत सरकार के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाकर 42% किया गया है। वित्त विभाग ने राज्य कर्मियों का महंगाई भत्ता भी केंद्र के अनुरूप करने का प्रस्ताव बनाया है। 6 तारीख यानी कि आज होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जाएगा।
झारखंड में धान बेचने वाले 31,000 किसानों का पैसा सरकार के पास फंसा, दूसरी किस्त का बोनस भी नहीं हुआ भुगतान। खरीफ मौसम 2022-23 में राज्य के 31,100 किसानों ने राज्य सरकार को 16.77 लाख क्विंटल धान बेचा। सरकार की ओर से अब तक 27,485 किसानों को पहली किस्त के तौर पर 149.15 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, परंतु 3 माह बीत जाने के बाद भी अब तक किसानों को दूसरी किस्त और बोनस का भुगतान नहीं किया गया है। ऐसे में सरकार पर किसानों के लगभग 167 करोड़ रुपए का बकाया हो गए हैं। राज्य सरकार की ओर से 31 मार्च 2023 को धान क्रय की अवधि समाप्त हो गई। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर धान क्रय की अवधि 1 माह बढ़ाने का आग्रह किया, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से अब तक कोई निर्देश नहीं मिला है। राज्य में सुखाड़ की वजह से सरकार ने धान क्रय का लक्ष्य 80 लाख क्विंटल से घटाकर 36.30 लाख क्विंटल कर दिया था। फिर भी सरकार लक्ष्य का सिर्फ 47% ही धान किसानों से खरीद पाई। साहिबगंज और दुमका के एक भी किसान ने धान नहीं बेचा। हालांकि सरकार की ओर से साहिबगंज के 157 व दुमका के 567 किसानों को SMS भेजा गया था। साहिबगंज जिला खनन कार्यालय में ईडी की रेड, मनरो सीओ को भी बुलाया। साहिबगंज में जिला खनन कार्यालय में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की टीम ने रेड मारी। इससे पहले RS पांडे के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार के कार्यालय में पहुंची, जहां कागजातों की जाँच शुरू की गयी। मनरो सीओ को भी वहां बुलाया गया। झारखंड के चाकुलिया से गायब 3 नाबालिग बच्चियां संतरागाछी से बरामद, पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मिली सफलता। चाकुलिया से गायब 3 नाबालिग बच्चियों को बंगाल के संतरागाछी रेलवे स्टेशन से बरामद कर लिया गया है। तीनों बच्चियां सही सलामत हैं। आप सबको बता दें कि मंगलवार शाम 3 बच्चियों अचानक घर से गायब हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने छानबीन शुरू की, लेकिन तीनों का कहीं पता नहीं चला, जिसके बाद परिजनों ने स्थानीय पुलिस स्टेशन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई। सूचना मिलते ही चाकुलिया थाना प्रभारी ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी। आप सबको बता दें कि गायब नाबालिगों में से 2 की उम्र 13 वर्ष और 1 15 साल की है। जानकारी के अनुसार एक के पास अपनी मां का मोबाइल था, जिसके आधार पर पुलिस ने छानबीन शुरू की। इसके बाद पश्चिम बंगाल स्थित संतरागाछी स्टेशन पर तीनों बच्चियों को बरामद कर लिया गया। बताया जाता कि तीनों नाबालिग डाउन इस्पात एक्सप्रेस पर सवार होकर चाकुलिया से निकली थी। तीनों बच्चियों के परिजन चाकुलिया से संतरागाछी स्टेशन के लिए रवाना हो चुके हैं। रांची के ठाकुर गाँव में ट्रिपल मर्डर, महिला समेत 2 बच्चों की मिली लाश। राजधानी रांची के ठाकुर गांव थाना अंतर्गत बागदा घाटी में 3 लोगों का जला हुआ शव मिला, जिसमें 1 महिला और 2 बच्चे शामिल हैं। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आप सबको बता दें कि तीनों शव इतना जल गया है कि उसकी पहचान कर पाना मुश्किल है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। होम्योपैथी को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मिला प्रतिनिधिमंडल, मिला आश्वासन। होम्योपैथी पर दिल्ली स्थित राष्ट्रीय जनजाति शोध संस्थान NTRI में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एथनोमेडिसिन NIM की स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। इसके साथ ही महुआ फूल संग्रहण, प्रसंस्करण, उत्पादन और संरक्षण विकास को लेकर राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की जाएगी। यह आश्वासन केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने बुधवार को एक प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली स्थित अपने कार्यालय में दिया। प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर अनिल गोयल, डॉक्टर वास्वी केड़ो, सुमोदनी लकड़ा और गंगा गगरोई शामिल थे। रघुवर दास ने हेमंत सोरेन पर किया जुबानी हमला, कहा सरकार का मतलब सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास पलामो प्रमंडल के दौरे पर है। इस दौरान वे कई कार्यक्रम में भाग लेंगे। आप सबको बता दो कि बुधवार को उन्होंने पलामो सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह सरकार सिर्फ ट्रांसफर पोस्टिंग करना जानती है, जबकि इसका असली मकसद क्या है ये जानता ही समझती है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी की सरकार में ट्रांसफर पोस्टिंग के गेम को बिल्कुल बंद करवा दिया गया था, जो इस सरकार ने आते ही पूरे राज्य में शुरू कर दिया है। रघुवर दास ने कहा कि उनके मुख्यमंत्री काल में डबल इंजन की सरकार में झारखंड के लोगों के लिए काम किया गया था, लेकिन हेमंत सोरेन ने 3 सालों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की जनता समझ चुकी है कि डबल इंजन की सरकार की क्या अहमियत है। आने वाले दिनों में एक बार फिर राज्य में बीजेपी की सरकार बनेगी। गुमला पुलिस ने एक युवक को लिया हिरासत में, 3 बैग बरामद।
गुमला पुलिस ने बस पड़ाव से एक युवक को हिरासत में लिया है। 3 बैग भी बरामद किया गया है। पुलिस ने बैग जब्त कर गुमला थाना में रखा है। अभी बैग को सील कर रखा है। गुमला थाना की पुलिस आईटी के लोगों और मजिस्ट्रेट की निगरानी में बैग को खोला जाएगा, इसलिए बैग को अभी सील कर रखा गया है। हालांकि इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि बैग में पैसा भरा हुआ है। रांची यूनिवर्सिटी के पीजी रिसर्च काउंसिलिंग की बैठक, पीएचडी के 62 प्रस्ताव स्वीकार, 2 हुआ रिजेक्ट। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अजित कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में क्षेत्रीय एवं जनजाति भाषा संकाय के पीजी रिसर्च काउंसिलिंग की बैठक हुई। इसमें नागपुरी के 17, मुंडारी के 8, पंच परगनिया के 10, कुड़ुक के 14, खोरटा के 8, खड़िया के 2, कुरमाली के 3 और संथाली के 2 पीएचडी प्रस्ताव पर चर्चा हुई। इसमें नागपुरी के 2 प्रस्तावों को विभाग को आवश्यक संशोधन के लिए वापस भेज दिया गया। शेष प्रस्ताव को बैठक में ही संशोधन कर स्वीकार कर लिया गया। डिलीट के 1 प्रस्ताव को एलिजिबिलिटी रहने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। बैठक में प्रति कुलपति डॉक्टर एके सिन्हा, डीन अर्चना कुमारी दुबे, कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद मेहता, उप कुल सचिव डॉक्टर प्रीतम कुमार के साथ सभी TRL विभागों के विभागाध्यक्ष शामिल हुए। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।